y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x. ये कह रहे हैं कि y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के. y बढ़ता है तो x भी बढ़ता है, y कम होता है तो x भी कम होता है. ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कि y इज इक्वल टू 24, y 24 है x 10 है. ठीक है, देन फाइंड द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. तो देखो क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी y अपॉन x. ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा 24/10. ठीक है, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, अगर मैं ये जीरो हटाती हूँ तो डेसिमल आ जाएगा इधर, तो ये जाएगा 2.4. ठीक है, क्लियर. चलो इसका बी पार्ट देखते हैं. ये कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, वाई निकालो अगर तुम्हारे पास एक्स 24 गिवन है. ठीक है, तो एकदम देखते ही मत बोल देना कि भाई ये तो 10 हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा. ठीक, ये बढ़ा है तो भाई ये भी तो बढ़ेगा, क्या करोगे इसको तुम मान लो ए. ठीक है, तो 24 अपॉन ए इज इक्वल टू 10/24. ठीक, ए को इधर लेके आ जाओ. ठीक है, 24 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये नीचे डिवीजन में, इधर ऊपर आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लिकेशन में, ये नीचे आ जाएगा. ठीक है, अब इसका जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 576. 10 से डिवाइड करो, डेसिमल लग जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 57.6. ठीक, अब ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इज इक्वल टू 90. ठीक है, अगर तुम्हारा वाई यहाँ पे 90 है तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो. ठीक, इसको ए मान लेते हैं, सपोज ये ए है, क्या करो, अच्छा ए नहीं अब बी मानो, क्योंकि ए तो हमने मान लिया. ठीक, इसको इससे डिवाइड करो, 10/b. ठीक, इसको ऊपर ले आओ, क्या करोगे अब अगला स्टेप, यहां से भी उठ गया, चला गया, ये 90 इधर है, 90 इधर आ जाएगा. ठीक, अगला स्टेप 24 मल्टीप्लीकेशन में यहां आकर डिविजन में हो जाएगा. ठीक है, 3 8 24, 3 3 9 0, 2 4 8, 2 5 10. ठीक है, 2 2 4, 2 15 30. ठीक है, इसको फर्दर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 37.5 विल बी योर आंसर. ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ढेर सारा शेयर करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस.